हाउज़बिल्ला अभिषे तौर रजिम बिस्मिल्लाह रही हैलो वियर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंग्वेज प्रोडक्शन स्किल्स इन सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज प्रोडक्शन स्किल रियली अ गुड स्किल और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्किल फॉर किड्स बिकॉज दे आर टू इन्वॉल्व इन एक्टिविटी जिसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं कि दे आर यूजिंग देयर लैंग्वेज दे कैन यूज़ देअर लैंग्वेज एंड दे गाट फेसिलिटेट इसमें आ, पहली बात तो ये है कि हमें सादा ज़बान इख्तियार करनी चाहिए सादा अल्फाज़ इस्तेमाल करने चाहिए लंबे लंबे सेंटेंसेस और उसमें आ, मुश्किल अल्फाज़ का इस्तेमाल उसकी बचाए बेहतर है कि वी यू शॉर्ट नोशन वर्ड्स सेंटेंसेस लाइक फूड टाइम नाउ यानी इसी तरह खाना खा सकते हैं खाना खाएँ इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज जो है वो उसमें शामिल करके तो हम लंबे फिक्रों से इज्तनाव करते हुए छोटे सेंटेंसेस बोलने के आदियों इसमें यह कि कि टाइम हम लफ्ज़ जो है ना वो रिपीट कर देते हैं रिपीट करने से सहूलत जो होती है कि बच्चे दोबारा उसको सुन लेते हैं दे गाट अपॉर्चुनिटी टू अटर दोज वर्ड्स और लेकिन आ, बार बार कहना वो बद्रुस्त नहीं है लेकिन बहरल एक बार कहना यानी उसको रिपीट कर देना इसमें हर्ज नहीं है इसमें बच्चे आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं और एक बात उन्होंने सुनी और वो नहीं कह सके भूल गए तो भूलने की अलामत जो है ना वो ख़राबी नहीं है बल्कि यह है कि ये भी एक नॉर्मल एक्टिविटी है और उसमें बच्चे अगर महसूस करते हैं कि दे आर टू बी प्रेजेंटेड अगेन तो एक आध दफ़ा ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं इसी तरह हम उनको Uh, एक अच्छा लिसनर बनाते हैं दैट यू लिसन लाइक टी वी लाइक रेडियो और फिर यह है कि बाकी जो मीडिया दैट इज़ गोइंग टू बी यूज उसमें बच्चे ग़ौर से वो अल्फाज सुन रहे होते हैं उनको मौका मिलता है और साउंड uh, uh, के लिए उनको दे मस्ट गिवन अपॉर्चुनिटी टू लिसन और अगर वो हैंड फ्री के साथ उसको सुने तो और ज़्यादा बेहतर है कि क्योंकि, क्योंकि क्लियरली वो सुन सकेंगे सिर्फ उन्हीं बातों को जो वहाँ से यानी वो सोर्स से आ रही और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि वो साउंड्स को भी हम रिपीट कर सकते हैं यानी एक दफ़ा हमने उसको सुनाया फिर दोबारा हम उसको सुना सकते हैं और ये भी उनके लिए एक अच्छा मौका है दे अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट और उसमें बच्चे बाजूकत यह है कि कुछ बातों के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं कि मुझे ये याद नहीं हो रहा मुझे ये लफ्ज़ अदा करने में दिक्कत पेश हो रही है या इस तरह की बात वो करते हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं कि यस हाउ टू अटर दिस ये इस तरह से अदा करें जैसे मैथी है तो मैं दी मैटिक्स इस तरह से हम स्पेलिंग्स भी उनको जिस तरह याद कराते हैं तो उस तरह उनको साउंडस अदा करने में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं और आ, इसी तरह आ, बच्चों के साथ सादा ज़बान जैसे हमने पहले कहा कि सादा ज़बान और इसमें यह है कि होम लाइक लैंग्वेज जो है ना वो इस्तेमाल की जाए होम लाइक लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि घर में जिस तरह से हम फैमिली में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो सादा अल्फाज होते हैं और छोटे सेंटेंसेस होते हैं यानी आप मेरे पास आ जाओ आप मेरे पास बैठो आप ये काम करके आओ इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जिस तरह से हम नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी फैमिली में फैमिली मेंबर्स के साथ बोल रहे होते हैं इसी तरह हम बच्चों को इसका आदि बनाएं कि वो छोटे छोटे सेंटेंस कहने में आ, इसका फ़ायदा ये होगा कि दे गेट प्रोड्यूस देयर लैंग्वेज एंड दे डेवलप देयर स्किल्स इन लैंग्वेज और uh, उनके साथ जब हम बात कर रहे हों तो उनको ईजी रखा जाए अगर उनको बात हम महसूस करते हैं कि तो उनको बात समझ नहीं आ रही तो हम वो लफ्ज़ दोहरा देते हैं या यह है कि वो अलफाज अदा करने में हम उनकी मदद कर देते हैं कि इन लफ्जों को आप ऐसे अदा कर सकते हैं उनके लिए जब अट्रेंस आ, बता दी जाए कि आप इन अलफाज को इस तरह से अदा कर सकते हैं तो जैसे साउंड के लिए हम मस ए डबल एल ओल बोलना चाहें तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए समझना कि ये ओल कैसे बोलें तो हम पहले साउंड के लिए उनको कह दें कि आप इसको राउंड करें दैन यूज यू अटर योर वर्ड्स जैसे ओल बी ए डबल एल बोल यानी साउंड के लिए हमने उनको एक पहले डायरेक्शन दी कि वो अपने मुंह को राउंड करें फिर वो लफ्स बोलें तो वो बिल्कुल साउंड जो है वो ठीक अट्रेंस होगी इसी तरह उनको आ, राइट वे बताना चाहिए कि ये आप ठीक अदा नहीं कर रहे मिस्टेक्स उनको बता दी जाएँ कि इसमें गलती क्या है आप क्या किस तरह से बोल रहे हो आप बाल बोल रहे हो जबकि ये बोल है और इसी तरह बोलने से जब वो लफ्स अदा कर रहे होंगे तो उनके लिए आसानी होगी उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए लैंग्वेज में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है थैंक यू वेरी मच फॉर बींग अस